हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो आज हम लोग घर में बना के चिकन लाए हुए हैं। तो आज स्पेशल तरह से हम लोग चिकन बना के खाएंगे, होममेड तरीका से, एकदम लटपट वाला चिकन। तो आज का रेसिपी कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि कुछ अलग देख के आए हैं, कुछ अलग सीख के आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। देख सकते हैं हम लोग का यहाँ चिकन रखा हुआ पूरा अच्छा से वॉश करके, तो आपको एक एक करके दिखाते हैं कैसे हम लोग का चिकन बनता है। तो चलिए गाइस, यहाँ देख सकते हैं 2 kg हम लोग का ये चिकन है, अच्छे से वॉश कर लिए। और बगल में यहाँ पे हम लोग ले लिया मटेरियल चिकन के लिए, जो कि अब मिक्सी में डाल के पीसेंगे। हम लोग का ये 1/2 kg प्याज और प्याज यहाँ पर रखा हुआ है। तो एक काम तो अब करते क्या है, ये हम लोग का ये जीरा और गोलकी ये डाल देते हैं हम लोग पीसने के लिए मिक्सी में। और नेक्स्ट आ गया हम लोग का ये लाल मिर्च, इतना सारा ये आ गया हम लोग का लाल मिर्च। और अब आ गया नेक्स्ट इतना सारा लहसुन, 2 kg चिकन है तो इतना सारा लहसुन तो लगेगा ही। अब इसको अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। ये हम लोग का चूल्हा जल गया, नेक्स्ट आ गया कढ़ाई। तेल हम लोग अंदाज से 200 ग्राम तेल इसमें डाल देते हैं। ये आ गया 200 ग्राम हम लोग का तेल। तो चलिए गाइस, यहाँ पे तेल हम लोग का गरम हो चुका है। यहाँ पे 200 ग्राम अंदाज से डाले थे, अब फ़ौरन लगा रहे हैं। आप फ़ौरन के लिए देख सकते हैं तेज़पत्ता, ये आ गया जीरा, और ये आ गया लौंग, इलायची, और ये खड़ा गरम मसाला एक तरह से समझ लिया गया। ये देखिए 2 लहसुन। तो लहसुन तो बहुत कोई का फेवरेट होता है, आप भी जानते हैं। तो ये कुछ अलग तरह से हम लोग बना रहे हैं, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और ये आ गया हम लोग का मिर्ची। तो क्या करते हैं, अब इसमें फ़ौरन लगाते हैं। ये देखिए आ गया जीरा, अब आ गया तेजपत्ता, ओहो, और ये आ गया हम लोग का 2 खड़ा लहसुन, जो कि बहुत, ये आ गया हम लोग का मिर्च। अब ये सब एक साथ डाल देते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ 15 से 20 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद देख सकते हैं प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं चिकन अच्छे से वॉश कर लिए हम लोग। तो क्या करते हैं, ये 2 kg चिकन है पूरा, देख सकते हैं प्लेट भरा हुआ है। तो ये देखिए अब पूरा, ये देखिए डायना आ गया चिकन का। नेक्स्ट देख सकते हैं ये आ गया हम लोग का कलेजी चिकन का, ये आ गया। तो अब एक एक करके सारा पीस डालते हैं। चलिए, हम लोग का 2 kg चिकन इसमें चला गया है, तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें, बहुत यूनिक तरीका से हम लोग चिकन बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट आएगा सारा पेस्ट वो आपको डाल के दिखा रहे हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ 1/2 घंटा चिकन को फ्राई करने के बाद जितना चिकन का जो पानी है ये सब देखिए छोड़ दिया है। और बता दें गाइस, जो अभी हम लोग चिकन बना रहे हैं चूल्हा पे बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो कोयले के आँच पे भी बना सकते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा उभर के टेस्ट मिलेगा। तो हम लोग चूल्हा बना रहे तो धीमी धीमी आँच पे बना रहे हैं, ताकि वैसा ही खुशबू आए, वैसा ही टेस्ट आए। तो हम लोग अभी चूल्हा बना रहे, तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम लोग का ये आ गया पेस्ट। हम लोग का प्याज और अदरक लहसुन जो गोलकी जीरा का दिए थे, इसमें पेस्ट आ गया। तो इसमें 1-2 और मसाला लगेगा। यहाँ पे हम लोग का 2 चम्मच हल्दी आ गया, 1 चम्मच तो डाल दिए थे, ये आ गया 2 चम्मच। नेक्स्ट हम लोग अब चिकन मसाला डाल देते हैं, ये आ गया हम लोग का चिकन मसाला। चलिए, ऊपर से जो हम लोग का पेस्ट था, ये चिकन मसाला और हल्दी ऊपर डाल दिए थे, इतना सारा पेस्ट आ गया, जो कि प्याज और सबका जो पेस्ट था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये आ गया था हम लोग का 1 चम्मच चिकन मसाला, ये 1 चम्मच और, मतलब टोटल 3 चम्मच चिकन मसाला इसमें लगेगा। 2 kg चिकन है तो चिकन मसाला भी ज़्यादा लग रहा है। और हल्दी तो पहले डाल दिए थे, और अच्छे से अब इसमें मिक्स कर लेते हैं, जो अब इसका जो खुशबू है ना एकदम उभर के आने लगा है, जो चिकन का होना चाहिए। फाइनली गाइस, देख सकते हैं हम लोग का चिकन अब बन के रेडी होने वाला है। ऊपर से जो भाप देख रहे हो, एकदम खुल के सुगंध आ रहा है, देखिए चिकन एकदम लटपट वाला। और इधर थोड़ा लग रहा था तेल का कमी, तो यहाँ देखिए तेल हम लोग करका रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नमक डाल लेते हैं। हम स्वाद के अनुसार नमक आ गया, ये देख सकते हैं इतना सारा नमक, स्वाद के अनुसार नमक। और जो हम लोग 1 टमाटर लिए हुए थे, टमाटर कट किए हुए थे, ये देख सकते हैं, ये टमाटर के लिए मतलब एक देख सकते हैं कितना अच्छा से बन रहा है। और ये हम लोग का मसाला जो पीसे थे, ये उसका आ गया पेस्ट, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है। ये आ गया हम लोग का गरम मसाला का पेस्ट। अब फाइनली चिकन अब हम लोग का बनकर रेडी हो ही गया है, अब बस मिक्स करना है। और धीमे आँच पे चिकन पक रहा है, और जो सुगंध है इसमें से पूरा उभर के आ रहा है। और यहाँ बगल में देख सकते हैं जो थोड़ा सा तेल का कमी था, जो हम यहाँ पे तेल देखिए गरमाए थे इसके ऊपर से, ये देखिए, देखिए देखने में कितना मस्त लग रहा है। ये आ गया हम लोग का तेल,
जो कुछ चिकन में कमी था सारा पूरा हो चुका है। अब बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए साइड साइड आपको रोगन एकदम उभर के दिख रहा है, शुगर मतलब चिकन एक तरह से अच्छे से फ्राई हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेवी के लिए इसमें गर्म पानी थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये देखिए आ गया पानी इतना सारा, ये आ गया हम लोग का ग्रेवी के लिए पानी। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी वाला खाना तो ज़्यादा पानी डाल सकते। ये देखिए खड़ा लहसुन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखिए इसमें से जो खुशबू एकदम उभर के आ रहा है, मन कर रहा है कि अब जल्दी से बंद करें और खाना शुरू करें, क्योंकि लाइट कट गया था, गर्मी में हम बना रहे हैं इसको। तो फाइनल गाइस हम लोग का चिकन बन के हो चुका है रेडी। देख सकते ढका हुआ है, तो ऊपर से रोगन देख सकते क्या उभर के आया हुआ है। चलिए इसको हटाते हैं। ये देखिए, ओ हो, ये देखिए लाजवाब, देखने में कितना औसम लग रहा है। ओहो, तो चिकन अब फाइनली बन के हो चुका था हम लोग का रेडी। तो ये देखिए रोगन देखिए कितना उछलक रहा है ऊपर से, ये देखिए। और ग्रेवी देखिए कितना, ग्रेवी का थिकनेस और देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है। ज़्यादा पानी का भी यूज़ नहीं हुआ है, जो हल्का सा दिए थे जो ग्रेवी के लिए था। ये देखिए जो मतलब इसमें से जो खुशबू है ना एकदम उभर के आ रहा है। तो ये देखिए पीस की बात करें, इस भी देखिए एकदम ये आ गया हम लोग का लेग पीस। देखिए ओह कितना मतलब लाल, देखिए इसमें का लालीपन देखिए कितना उभर के आ रहा है, कितना औसम लग रहा है देखने में। तो अब क्या करते हैं, हम भी अपना प्लेट लगवाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का टेस्ट। तो चलिए गाइस ये हम लोग का आ गया प्लेट, ये आ गया ग्रेवी, ये एक पीस, एक हम लोग ले लेते हैं लेग पीस। तो एक लेग पीस दे दें भाई। तो ये देखिए ये आ गया हम लोग का एक लेग पीस, और इधर हम लोग आ गया पुलाव जो हम लोग बनाए थे। तो ये आ गया हम लोग का चिकन, ये आ गया पुलाव। तो चलिए टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग का चिकन बन के हो चुका है रेडी, इतना गर्मी में लाइट भी कटा हुआ था। और चलिए आपको पहले चिकन दिखाते, तो आइए ये देखिए वहाँ पर तो आपको चिकन दिखाए ही। ये देखिए एक लेग पीस लिए हैं, ये दो पीस अलग अलग का, ये आ गया डायना। और देखिए रोगन जो देखिए इसमें से उभर के आपको रोगन दिख रहा होगा, ये देखिए रोगन उभर के दिख रहा होगा। ग्रेवी की बात करें तो देखिए ओहो, तो ये देखिए हम लोग का आ गया, इसी में रहने देते। ये हम लोग आ गया पुलाव, ये आ गया तेज़पत्ता। देखिए पुलाव में जो घी है ना, घी का मात्रा ज़्यादा डाले थे ताकि अलग से ये पुलाव बनाए हैं, ये देख सकते हैं, ताकि उभर के टेस्ट आए। चावल के साथ भी खा सकते हैं लेकिन पुलाव अलग से बनवाए। ये देखिए आ गया हम लोग का ग्रेवी, ओहो सुगंध जो है ना इतना उभर के आ रहा है, क्या बताया आपको। ओहो तो इसको क्या करते हैं, यहीं रहने देते हैं। तो चलिए ये आ गया हम लोग का एक बाइट, इतना सारा इतना बड़ा बाइट लेते, इतना मेहनत लगा है जब बनाने में तो इतना बड़ा बाइट लेते हैं। ये देखिए आ गया इतना सारा बाइट, ये देखिए तेज पत्ता था थोड़ा, ये देखिए इतना बड़ा बाइट। यहाँ ना हम साइड से नमक भी लिए थे लेकिन नमक का कोई ज़रूरत नहीं है, जो जितना हम लोग मसाला इसमें यूज़ किए हैं एकदम उभर के टेस्ट आ रहा है। इसके लिए हम बहुत जगह देखे भी जो कि टेस्टी भी लगे और आप लोगों को बनाने देखने में अच्छा भी लगे। ये देखिए पूरा उभर के इसमें टेस्ट आ रहा है चिकन का, जो होना चाहिए। ये देखिए हम लोग आ गया चिकन, चिकन आपको दिखाते हैं कितना अच्छे से सिझा हुआ, हल्का सा पकड़ रहा, एकदम टूट जा रहा है। ये देखिए आ गया चिकन, इसको पूरा खाते हैं और आपको दिखाते हैं। लेग पीस का तो जो कहते हैं स्टार इससे ही खाने में है, देखिए इसे। ओह पूरा अच्छे से सिझा हुआ, पूरा उभर के टेस्ट दे रहा है चिकन। ये तो चिकन का हम लोग जो तोड़ के दिखाए कि इतना टूट रहा है, ये आ गया चिकन। ये एक बाइट और लेते हैं और जल्दी जल्दी, रहा नहीं जा रहा, इतना मुंह में पानी आ रहा है, बहुत 4 बज रहा है अभी दोपहर का, जल्दी जल्दी प्लेट ख़त्म करते हैं। ये आ गया चिकन और एक बाइट। अब जल्दी से जल्दी इस प्लेट को ख़त्म करते हैं, अब रहा नहीं जा रहा है, घर में खा रहे थे, थोड़ा जल्दी वीडियो को ख़त्म भी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको भी इस तरह का रेसिपी ट्राई करना तो एक बार ज़रूर बनाएँ और खाएँ।